आज का जो आपका टॉपिक है वो है ऑस्मेटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ इक्वेशन, ऑस्मेटिक प्रेशर की क्या इक्वेशन आई थी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है यहाँ पे, कंसेंट्रेशन है इन मोल्स पर लीटर। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। और आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट। आर और टी हमारे पास कांस्टेंट है, तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कंसंट्रेशन के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय वी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑस्मेटिक प्रेशर हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऑस्मेटिक डिपेंड करता है इसकी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पे भी, और इंडिपेंडेंट किस पे रहता है, उसकी नेचर पे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मेटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने इसमें एक थ्रिस्टल फनल ले लिया, ये हमारे पास थ्रिस्टल फनल है, इसमें सॉल्यूशन फिल है और विद एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये जो हमने बीकर लिया है, इसमें हमने इसको फिट कर दिया, तो इस बीकर में क्या है, प्योर सॉल्वेंट फिल है। अब इस पूरे सेटअप को हमने एक एवोकेटेड जार में फिट कर दिया है। तो जो हमारा ऑस्मिसिस क्या होता है, जो आपके पास लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से मूव करे हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो आपके पास लो कंसेंट्रेशन किस में है, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में तो कोई कंसेंट्रेशन है ही नहीं, तो आपके पास इसका लेवल किसका इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर आपका जो पी एस एस सोल्यूशन थिस्टल फनल में जो सॉल्यूशन, उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां पे वो कांस्टेंट हो जाए उसकी हाइट एच, तो वो हम वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, उसको कहते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसमें आपका पास सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मूव होना बंद हो जाए, रुक जाए, तो हमारे पास वहां पे ऑस्मेटिक प्रेशर हो जाता है। वो क्या होता है आपके पास, पाई इक्वल टू एच डी जी। एच क्या हो गया, हाइट, जहां तक आपके पास सॉल्यूशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डी हो गया आपके पास डेंसिटी सॉल्यूशन की, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको ये पता है जो वेपर प्रेशर है आपके पास प्योर सॉल्वेंट का, वो है आपके पास पी नॉट, और जो वेपर प्रेशर है आपके पास सॉल्यूशन का, वो है आपके पास पी एस। तो आपको ये पता है जो वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशन का होता है वो लेस देन होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, तो पी एस लेस देन बाय पी नॉट। तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा पी नॉट माइनस पी, वो प्रेशर एग्जिट करेगा आपके पास वेपर कॉलम ऑफ हाइट एच। तो आपके पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एच रो जी। रो यहाँ क्या है, डेंसिटी है सॉल्वेंट वेपर की इन द जार। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पाई इक्वल टू रो डी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास आपके पास मॉलिकुलर मास है जो, बोल वो एम क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। वेपर्स आपके पास सॉल्वेंट बिहेव करते हैं आइडली, आइडली करेंगे तो हमारे पास पीवी इक्वल टू आर टी। यहां से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो वी किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, आर टी बाय पी पी नॉट। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एम बाय वी। वी की वैल्यू क्या है, एम बाय आर टी बाय में रो नॉट। ये इक्वेशन हम रो की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इसको हमने डिवाइड करवाया था इसमें हम पुट कर देंगे, तो हम इक्वेशन क्या आएगी, पी नॉट माइनस पी एस बाय में पाई इक्वल टू 1/d एम रोप नॉट बाय में आ टी। अब इक्वेशन हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो हमारे पास रीअरेंज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस बाय में पी नॉट इक्वल टू
किसके इक्वल आएगा, एम पाई डिवाइड बाय डी आर टी। तो पाई ऑस्मेटिक प्रेशर किसके इक्वल आ गया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इनटू में डी आर टी बाय में एम। तो ये इक्वेशन है वो रिलेशनशिप किसके बीच बताता है, ऑस्मेटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डी आर टी बाई एम है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है सॉल्वेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास, पी नॉट माइनस पी एस बाय में पी नॉट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ऑस्मेटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये समझ में आया आपको एक्सप्रेशन? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास फ्रॉम ऑस्मेटिक प्रेशर। उसमें आपके पास डिटरमाइन करना है मॉलिकुलर मास इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो अकॉर्डिंग टू अ वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है आपके पास, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी को आप क्या लिख सकते हो, एन बाय वी। तो एन टू है ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन टू बाय में वी आर टी। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू बाय में एम टू वी आर टी। अब यहां से हम एम टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, डब्ल्यू टू डिवाइड बाय पाई वी आर टी। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड। नेक्स्ट आपके पास डेरिवेशन ऑफ रॉल्स लॉ फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मेटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आया था हमारे पास रिलेशन, पाई इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट डी आर टी बाय में एम। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। डी क्या है, डेंसिटी है सॉल्यूशन की। एम क्या है, मॉलिकुलर मास है सॉल्वेंट का। आर क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। तो हमारे पास पाई वी किसके इक्वल होता है, एन टू आर टी। तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एन टू बाय में वी आर टी। अब हमें ये पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है जो सॉल्वेंट के एन वन, एन वन किसके इक्वल होता है बताइए, डब्ल्यू वन बाय में एम वन। अब मास है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास मास है वेट है इसका, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू वन वी इंटू में डी, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एन वन बाय में डी। तो ये जो इक्वेशन आई थी आप हमारी पाई इक्वल टू एन टू वी आर टी, इस इक्वेशन में वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, पाई इक्वल टू एन टू आर टी इंटू में डी एम एन वन। ये जो पाई की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर हम उसमें पुट कर देंगे, हमारे पास रिलेशन क्या आया था, पाई इक्वल टू पी नॉट माइनस में पी एस डिवाइड में पी नॉट डी आर टी बाय में एम। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे पाई की जगह, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एन टू आर टी डी बाय में एन वन एम इक्वल टू पी नॉट माइनस में पी एस बाय में पी नॉट डी आर टी बाय में एम। अब हमें ये पता है कि जो पी नॉट माइनस दोनों तरफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो ये किसके इक्वल आ गया, पी नॉट माइनस पी एस बाय में पी नॉट इक्वल टू एन टू बाय में एन वन। तो ये रोल्स लॉ हो गया आपका वेरीफाई आउट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। जब आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो उसमें एन टू की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हो जाएगी एन वन, तो डिनोमिनेटर में आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन टू बाय में एन टू प्लस एन वन, तो उसमें आप नेगलेक्ट कर सकते हो जब आपके पास एन टू वेरी वेरी लेस देन हो जाए एन वन, तो आप एन टू को नेगलेक्ट कर दोगे एज कम्पेयर टू एन वन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एन टू बाई में एन वन।
ओके, इसके बाद है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। हमारा मेथड का नाम है ब्रेकली एंड हार्टले मेथड। इसमें हम एक पोरस ट्यूब लेंगे जिसमें सॉल्वेंट फिल कर रखा है हमने, ठीक है। उसकी जो हमारे पास इसको हमने एक सॉल्वेंट को सिलेंडर को हमने फिट कर दिया एक चैम्बर में जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन फिल है। अब जो हमारे पास सॉल्वेंट है एक पोरस ट्यूब, उसके एक एंड को तो हमने रिवर्स वायर से कनेक्ट करवा दिया, एक को हमने करवा दिया इसके कैपिलरी ट्यूब से। रिवर्स वायर से हम क्या प्योर सॉल्वेंट ऐड करेंगे, प्योर सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैपिलरी ट्यूब से हम मेजर करेंगे उसका लेवल प्योर सॉल्वेंट का क्या है। अब इसको सॉल्यूशन के चैम्बर को हमने कनेक्ट करवा दिया एक पिस्टन से और प्रेशर गेज से। प्रेशर गेज से उसकी यूनिट हम प्रेशर की नोट करेंगे। जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट की जो पोरस ट्यूब है उसकी जो आउटर लेयर है वो कोटेड की गई है हमारे पास किससे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कोटिंग कर रखी है जो बिहेव एक्ट करेगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मूव करेगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो आपका जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब का लिक्विड का वो लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और पिस्टन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जब आपने ऑस्मोसिस क्या करेगा, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो मूव करना कहां स्टार्ट करेगा, सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जो लेवल है आपके कैपिलरी ट्यूब में सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाएगा और पिस्टन अपवर्ड्स हो जाएगा। जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट जहां पे आपके पास रुक जाए, इक्विलिब्रियम आपके पास कांस्टेंट हो जाए, कैपिलरी ट्यूब में जो लेवल है सॉल्वेंट का वो कांस्टेंट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। फिर आपका अगर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में मूव करना स्टार्ट हो गया उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो हमारे पास क्या हुआ, बैलेंस करेंगे हम ऑस्मेटिक प्रेशर को कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसका भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जहां इक्विलिब्रियम आपके पास कांस्टेंट हो जाए, इसमें आपके पास कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो भी चेंज नहीं होगी मेजरमेंट के दौरान, जब हमने इसको प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पाई इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी। एन टू क्या होता है, डब्ल्यू टू बाय में एम टू, तो डब्ल्यू टू बाय में एम टू आर टी बाय में वी। एम टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू टू आर टी बाय में पाई वी। पाई है जो हमारे पास ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन वो किसमें हो जाएगा, डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। पर्टिकुलर टेम्परेचर टी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पाई हमें किसमें लेना है, एटमोस्फियर में लेना, और आर की वैल्यू किसमें लेंगे हम, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर डिग्री और पर मोल, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर हमारे पास डिटरमाइनिंग एक प्रेफर्ड यूज नहीं किया जाता, हमारे पास इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, ऑस्मेटिक प्रेशर डिटरमाइन नहीं किया जाता हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का, जो हमारे पास इसके हाई होंगे वो यूज नहीं किया जाता। जैसे पॉलीमर्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है जैसे लाइक पॉलीमर्स, वो यहाँ पे हमारे पास यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से यूज किए जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स,
लाइक पॉलीमर्स हमारे पास यूज किए जाएंगे, और अदर्स के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या अदर पॉलीकेटिव प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर किसका बेस्ट है आपके पास, डिटरमिनेशन कर सकते हो, मॉलिकुलर मास ऑफ मॉलिकुलर बेस्ट, एक तो मॉलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक पॉलीमर्स और प्रोटीन्स के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है।